नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं नियमित रूप से शेयर बाजार के संबंध में वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। जिसको भी शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, निवेश, आर्थिक विषयों पर और मोटिवेशनल विषयों पर जानकारी चाहिए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तो मित्रों, आज जिस विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ वो विषय मैंने पीछे जो अप्रैल माह में ट्रेडिंग आइडियाज दिए थे उसके बारे में चर्चा करना है। तो मित्रों, मैंने ट्रेडिंग जो अप्रैल महीने में 10 तारीख को, यानी 10 अप्रैल को, फिर आपके 12 अप्रैल को, 14 अप्रैल को और 15 अप्रैल और 16 अप्रैल को मैंने स्टॉक सजेस्ट किए थे निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा मित्रों। तो सबसे पहले जो स्टॉक मैंने चर्चा किया था मित्रों, वो है भारतीय एयरटेल। जिस वक्त मैंने चर्चा किया था मित्रों, उस समय था 488 और आज की डेट यानी जो हम फ्राइडे के भाव देखते हैं तो 514 रुपये पर क्लोजिंग है। जो पैसे के हिसाब से देखेंगे मित्रों तो 26 रुपये की बढ़त है और परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 5% की बढ़त दिखा चुका है। दूसरा जो स्टॉक मैंने सजेस्ट किया था मित्रों, ये 10 अप्रैल की बात हो रही है, वो था एशियन पेंट। एशियन पेंट 10 तारीख को जो भाव था मित्रों वह था 1642 रुपया और आज की डेट में जो भाव है 1762 रुपया। देखा जाए मित्रों तो 120 रुपया ऊपर हो चुका है। परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 7 से लेकर के 8% तक की अपसाइड है। तीसरा जो स्टॉक को मैंने सजेस्ट किया था मित्रों वो था बाटा इंडिया। बाटा इंडिया हम जानते हैं इस मित्रों, लेदर शू बनाने वाली कंपनी है। जिस वक्त मैंने चर्चा किया था मित्रों 1242 रुपया था और आज इसका भाव है 1382, यानी 140 रुपया ऊपर है। परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे मित्रों तो लगभग 12% की तेजी है। तीसरा जो शेयर था मित्रों, अब ये जो 11 तारीख को मैंने चर्चा किया था, 11 अप्रैल को, वो था चौथा जो शेयर था, वो शेयर था आईओएल केमिकल। दो सौ सत्तावन पे था मित्रों और आज का भाव है 289, यानी 32 रुपया ऊपर है। परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 11% से भी अधिक का रिटर्न प्राप्त हुआ है। अगला जो मैंने स्टॉक बोला था मित्रों तो 14 चार को वो था इन्फो एज, आईटी शेयर की दिग्गज कंपनी, बहुत ही बेहतरीन मल्टीबैगर स्टॉक दे चुकी कंपनी मित्रों। जिस वक्त मैंने ट्रेड बताया था मित्रों वो 2361 रुपये का भाव था और आज ये शेयर चल रहा है 2547, लगभग 200 रुपया ऊपर है और परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे मित्रों तो 8% लगभग ये भी बनता है रिटर्न। अगला बात करते हैं मित्रों, 15 चार को जो स्टॉक मैंने सजेस्ट किया था वो स्टॉक था डी मार्ट, यानी एवेन्यू सुपरमार्ट। उस दिन इसका भाव था 2180 रुपया और आज भाव है 2383 रुपया। ये भी देखेंगे मित्रों 200 रुपया प्लस है और 200 रुपया परसेंट ऊपर है तो मित्रों 8 से 9% की तेजी है। और अंतिम जो स्टॉक मैंने सजेस्ट किया था मित्रों, सातवां स्टॉक वो था आरती इंडस्ट्री और इसका भाव था 924 रुपया और आज इसका भाव है 1102 रुपया, यानी 15% से भी अधिक का रिटर्न इसमें मिल चुका है, बेहतरीन रिटर्न मिल चुका। तो मित्रों जब भी हम ट्रेडिंग करें
ट्रेडिंग में क्वालिटी स्टॉक बहुत मायने रखता है। हम यदि सड़े गले शेयर लेते हैं, पेनी स्टॉक लेते हैं, बहुत ज्यादा वोलेटाइल स्टॉक्स लेते हैं, तो हो सकता हो कि कभी कभार हम पैसा बना लें, लेकिन मेजोरिटी में पैसा गंवाने का डर होता है। यदि हम क्वालिटी शेयर और अच्छे शेयर चुनते हैं मित्रों, तो जो डाउनसाइड का रिस्क होता है वो भी कम होता है, और अपसाइड भी देखेंगे तो ठीक ठाक हमको रिटर्न मिल जाता है। और यदि आप इसको औसत आप निकाल लीजिए मित्रों, तो महीने का लगभग 8% का आसानी से रिटर्न आ जाता है, और 8% का रिटर्न मित्रों कम नहीं होता है, बहुत बेहतरीन रिटर्न होता है। तो मैं बता दूं कि मित्रों, मैं हमेशा नियमित रूप से स्टॉक लेकर के आता रहता हूं ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो महीने दो महीने के अंतराल पर 8 से 10% का रिटर्न देने में सक्षम होते हैं। अब इन जो स्टॉक्स है मित्रों, इन स्टॉक्स में से हम किसको चेंज करें, ठीक ठाक रिटर्न प्राप्त हो गया है, तो यदि आप चेंज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे मित्रों, तो इसमें जो स्टॉक मैं हटाना चाहूंगा वो स्टॉक हटाऊंगा भारतीय एयरटेल, और दूसरा स्टॉक हटाऊंगा मित्रों बाटा। ऐसा नहीं है कि इस स्टॉक्स में अभी तेजी नहीं आएगी, हो सकता हो इस स्टॉक में तेजी आएगी, लेकिन हमें बेटर अपॉर्चुनिटी और मिल रहा है तो हम बेटर अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे। तो इस जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो 5-6 से स्टॉक का है, तो 7 स्टॉक का, उस स्टॉक में मैं एंट्री करना चाहूंगा HUL का, हिंदुस्तान यूनिलीवर का। ये 2170 पे ट्रेड कर रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टॉक सभी जानते हैं, बहुत बेहतरीन मैनेजमेंट, बेहतरीन बिजनेस, और लॉकडाउन में FMCG की जो डिमांड चल रही है, जो माहौल है मित्रों, HUL के वारे न्यारे होने, और HUL जब से GSK का बिजनेस अपने अंदर लिया है तब से और भी यह कंपनी अच्छी हो चुकी है। यदि आप इसका हाईएस्ट लेवल, अपना जो हाईएस्ट लेवल इसने बनाया था वो 2600 बनाया था, 2600 से नीचे करेक्ट होकर के 2160 पे शेयर ट्रेड कर रहा है, और इसके जो अभी हाल ही में नतीजा है, नतीजे में इसके वॉल्यूम में कुछ कमी आई है, कुछ प्रॉफिटेबिलिटी भी प्रभावित हुआ है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है मित्रों कि लॉन्ग टर्म में यह शेयर और सस्टेन करेगा और अच्छा करेगा। तो मित्रों, इस शेयर को ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, होल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों दृष्टिकोण से इस शेयर को खरीदना चाहिए। और यदि हम इसको खरीदते हैं मित्रों, 2 महीने 3 महीने या उससे ज़्यादा का भी ड्यूरेशन रखते हैं, तो यह अपने हाइएस्ट लेवल को क्रॉस करेगा, यानी यहाँ से देखा जाए मित्रों तो 25% से भी अधिक का रिटर्न आपको 2 से 3 महीने के अंतराल पे ये दे देगा। तो इस शेयर को लेना चाहिए। और दूसरा जो शेयर है मित्रों, जिसके हम चर्चा करना चाहेंगे, वो शेयर है IT कंपनी MindTree। मैं बताऊं मित्रों कि मेरी जो भी जो ट्रेडिंग आइडिया होती है, चाहे निवेश आइडिया, कुछ मेरे चुनिंदा स्टॉक्स होते हैं, मैं उन्हीं के बारे में बात करता हूं। और बात करें मित्रों MindTree की, तो 915 पे ट्रेड कर रहा है इस समय, इसका भी हाईएस्ट लेवल देखेंगे तो 1000 से ऊपर इसका हाईएस्ट लेवल है, और यदि इसको होल्ड किया जाए तो यह भी हमको एक अच्छा रिटर्न देने में सक्षम है। इसमें जो परिस्थितियां हुई हैं, जैसा कि हम MindTree के बारे में जानते हैं मित्रों, MindTree का मैनेजमेंट इस समय L&T का मैनेजमेंट हो चुका है, कंपनी पूरी तरह से टेक ओवर की जा चुकी है L&T को, मैनेजमेंट का इसको फायदा मिल रहा है, बिजनेस का इसको फायदा मिल रहा है, तो इसको भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इस शेयर को खरीदनी चाहिए। तो उम्मीद है मित्रों, मेरी इस ट्रेडिंग आइडिया से आप लोग अवश्य लाभान्वित होंगे। यदि कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो, तो कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।